जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में मंगलवार सुबह एक बड़ा धमाका हुआ। सुबह लगभग 11 बजे के आसपास ये जबरदस्त ब्लास्ट होने की खबर आ रही है, जिसमें कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की बात भी सामने आ रही है। अब इस भयावह धमाके की मुख्य वजह भी सामने आने लगी है। फैक्ट्री के जनरल मैनेजर के मुताबिक एक पुरानी रशियन मिसाइल को बॉइल आउट करते समय ये धमाका हुआ है। हादसे की वजह देखिए, इसमें ये रशियन मिसाइल पुराना है, हम लोग बॉयल आउट कर रहे थे। अभी उसके लिए हमने इंक्वायरी बैठा दिया है। वो एक क्यों हुआ है, क्योंकि पानी से ये हम लोग रोज करते हैं, ये कोई नया नहीं है जी, आज पहली बार कर रहे हैं। अभी एग्जैक्ट कारण तो इंक्वायरी इसको बता पाएंगे, इस अभी मैं उस बताने की स्थिति में नहीं हूँ। जैसे पता चलेगा आप लोगों को जरूर, कोई भी जो भी आपको जरूरत हमें पड़ेगा किसी का हमारे एम्प्लॉय के लिए। बता दें कि जबलपुर में हुए इस भीषण धमाके में 10 से 11 कर्मचारियों के घायल होने की खबर आ रही है। वहीं एक कर्मचारी मिसिंग बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ये ब्लास्ट फैक्ट्री के F6 सेक्शन की एक बिल्डिंग में होना बताया जा रहा है और मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और राहत और बचाव का कार्य भी जारी है। वहीं घायलों का इलाज अस्पताल में इस समय जारी है, जिसमें से एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, एमपी तक।